हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केसी बायोजोन। और अभी हम कर रहे हैं अपने क्लास 12th का टर्म 2 सिलेबस वन शॉट वीडियो की फॉर्म में। हम कर चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर फटाफट से एनसीईआरटी से डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पर बच्चा एग्जाम से पहले जरूर करेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कौन से माइक्रोब्स हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और जिन्हें हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलग अलग लेवल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे हमारे यूज करते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्ड। ठीक है, कर्ड जो आप हर रोज़ ही नहीं मेरे ख्याल से सब खाते हैं। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, LAB लैब, आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इस बैक्टीरिया को, लैक्टोबैसिलस। सभी को पता है लैक्टोबैसिलस। स्टूडेंट्स फीमेल वजाइना के अंदर भी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। लैक्टोबैसिलस दही में भी प्रेजेंट होता है, कर्ड के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें चीज़ की, चीज़ के अंदर कौन से बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं, फंजाई भी यूज़ हो रहे हैं, बैक्टीरिया भी यूज़ हो रहे हैं। तो आपने दो चीज़ करें, एक है स्विस चीज़। आपने टॉम एंड जेरी में देखा हो तो उसमें बड़े बड़े होल्स वाला एक चीज़ होता है। ठीक है, बड़े बड़े होल्स होते हैं, ये जो होल्स हैं ये CO2 जब रिलीज होती है फर्मेंटेशन के समय में उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, स्विस चीज़ की हम बात करेंगे। स्विस चीज़ तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी फर्मेंटेशन से बनता है, नाम आपको बताना चाहिए। प्रोपिनोबैक्टेरियम शर्माने। ठीक है, ये बैक्टीरियम है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, प्रोपिनोबैक्टेरियम शर्माने। दूसरा चीज़ हमारे पास है रॉकी फोर्ट चीज़। पेनिसिलियम से बनता है, फंजाई से, नाम है फंजाई का पेनिसिलियम रॉकी फोर्ट। ठीक है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है रॉकी फोर्ट चीज़। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सभी घर में ब्रेड खाते हैं, ब्रेड यूज़ करते हैं, चाहे वो आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें या वाइट ब्रेड यूज़ करें। तो ब्रेड ब्राउन ब्रेड वीट से या मल्टीग्रेन ब्रेड भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, या रिफाइंड फ्लोर मैदे से जो ब्रेड बनते हैं। तो ब्रेड में यूज़ होती है ईस्ट, क्योंकि बेकिंग के लिए यूज़ हो रही है, ब्रेड केक ये सब बनाने के लिए, तो इसलिए इसको बेकर ईस्ट फूड बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट फूड बोलते हैं। तो कौन सी ईस्ट यूज होती है, नाम आपको बताना चाहिए, सैकेरोमाइसिस सिविलिस। ठीक है, आपको ये माइक्रोब्स के नाम ज़रूर पता होने चाहिए। और ये ईस्ट जो है वाइन बियर, आपको पता है फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन से बनती है वाइन बियर, तो उनके बनाने के लिए भी होती है। तो इसको हम बेकर ईस्ट के साथ साथ ब्यूअर ईस्ट भी कह सकते हैं, बेवरेजेस बनाने के काम आ रहे ब्यूअर्स ईस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। ब्रेड के अंदर भी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, ब्रेड के अंदर भी जो होल्स होते हैं दैट इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस जब रिलीज हो रही है तो उसकी वजह से भी ये होल्स रिलीज होता है। इसके अलावा हमारे साउथ इंडिया में एक ड्रिंक यूज होती है टोडी। टोडी कोकोनट वाटर की फर्मेंटेशन से बनती है, कोकोनट वाटर या पाम वाटर आप कहें, कोकोनट वाटर की फर्मेंटेशन से बनती है। कहाँ यूज़ होती है स्टूडेंट्स, ये कहाँ यूज़ होती है टोडी ड्रिंक, टोडी जो ड्रिंक है फर्मेंटेड ड्रिंक कहाँ यूज़ होती है, साउथ इंडिया। और जैसे अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में पिकल्स यूज़ होते हैं फर्मेंटेड मैंगो से या लेमन से, नींबू का अचार भी आपने खाया होगा, तो ऐसे अलग अलग तरह के पिकल्स होते हैं। ऐसे अपने साउथ इंडिया में फर्मेंटेड बैम्बू स्टिक्स या फर्मेंटेड फिश को भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो माइक्रोब्स की हेल्प से, फर्मेंटेशन की हेल्प से बनते हैं, तो आपको इन सब का पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हम कर लेते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर देखिए, जब हमें काम करना है घर में अगर कर्ड बना रहे हैं तो ये आप बाउल में बनाएं या किसी छोटे कंटेनर में आप बना रहे हैं तो चले। इंडस्ट्रियल लेवल पर अमूल है, नेस्ले है, मदर डेयरी है, अगर इन सबको अपना जो स्पेसिफिकली ये कंपनीज है अगर इनको अपना प्रोडक्ट बनाना है तो दे यूज़ फर्मेंटेड। बड़ी बड़ी कल्चरल वेसल्स होती है स्टूडेंट जिनको हम क्या बोलते हैं,
लार्ज कल्चर वेसल्स होती है, लार्ज कल्चर वेसल्स जिनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट घर को, फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, फर्मेंटर्स, इनको बायोरिएक्टर्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है बायोरिएक्टर्स। तो बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स फर्मेंटर्स होते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, स्टीरिंग टाइप जिसमें स्टीरर लगा हो, ठीक है, जो क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है तो उनको एयर चाहिए, तो इतने ज़्यादा जब अमाउंट में आप उसके अंदर जो लिक्विड है या जो चीज़ें डालेंगे तो उनको मिक्स करने के लिए, ऑक्सीजन या सारी चीज़ें डिजोल्व करने के लिए वी नीड अ स्टीरर। तो स्टीरर लगे होते हैं, बड़े बड़े फर्मेंटर्स होंगे उनमें ना इस तरह से स्टीरर्स लगे होते हैं जो ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, या फिर स्प्रे टाइप। अगर आप ऑक्सीजन को अगर आपने या बाकी चीज़ों को मिक्स करना है तो आप स्प्रे टाइप जिसमें आप एयर को स्प्रे कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्मेंटर्स अगर लार्ज स्केल पर बनाते हैं, तो अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल की अभी बात करें तो इंडस्ट्रियल लेवल पर माइक्रोब कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। आपको पता है बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट से पॉसिबल हो पाई, जैसे लिप्रोसी है, ठीक है, जिसको आप कुष्ठ रोग बोलते हैं, या आपका प्लेग है, तो बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियाँ जिसको पहले माना जाता था कि उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग। सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवरी आपको पता है, आपने जूनियर क्लास में करा होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, कब की थी, 1929 में। कैसी डिस्कवरी थी, चांद डिस्कवरी थी, ये काम कर रहे थे बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस पे ये काम कर रहे थे। इन्होंने देखा बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, स्वीट फंगस ग्रो हो गया, तो वो फंगस कौन सी थी, ठीक है, पेनिसिलियम रोटेटम वो फंगस थी जिसकी वजह से बैक्टीरिया की स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ रुक गई थी, रोटेटम, ठीक है, ये वो सजाई थी। इसलिए एंटीबायोटिक का नाम क्या रख दिया इन्होंने, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या रख दिया, पेनिसिलियम। फर्स्ट एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई थी उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, क्योंकि पेनिसिलियम रोटेटम से आई थी तो पेनिसिलियम उसका नाम रख दिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर पेनिसिलिन, एक और चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, अभी पेनिसिलिन रोटेटम से जो आइसोलेट हुई थी उसकी पोटेंशियल थोड़ी कम थी, अब जो हम स्पीशीज यूज करें वो है पेनिसिलियम की भी एक और स्पीशी, पेनिसिलिन क्राइसोजिन, ठीक है, ये स्पीशीज अभी हम जो है इसकी यूज कर रहे हैं, क्राइसोजिन, GENE, ठीक है, पेनिसिलिन क्राइसोजिन, जीनस स्पीशीज ने अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा यूज किया इसको वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर, किससे यूज किया, वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर यूज किया, किसने, कोवर्ट फ्लोरी थे और एक थे चेन, तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो कोवर्ट फ्लोरी और चेन थे उनके साथ, क्योंकि अलेक्जेंडर ने तो डिस्कवर किया ही था और उन्होंने इसको वर्ल्ड वार सेकेंड के, तो इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था, पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, कोवर्ट फ्लोरी एंड चेन, इन तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार इस डिस्कवरी के लिए मिला था। बहुत ही अच्छी डिस्कवरी जो अर्नेस्ट चेन, रॉबर्ट फ्लोरी और इन सब के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बनाए जाते हैं स्टूडेंट, जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन है, या हम बात करें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, कभी कभी इम्यून सिस्टम हमारे जो नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उसको अडेप्ट होने में प्रॉब्लम होती है, मतलब हमारी बॉडी में एडजस्ट होने में, सो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स वहाँ पर दिए जाते हैं। तो कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपको बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को कौन कौन से हैं इनके नाम पता होना चाहिए, माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल। तो तीन तरह के बायो रिएक्टिव मॉलिक्यूल की मैं यहाँ बात करूँगी, एक मैं बात कर रही हूँ आपसे यहाँ पे क्लोटबस्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्लोटबस्टर जो कि एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, स्ट्रेप्टो काइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, किस बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उससे जेनेटिकली मॉडिफाइड आप बोल सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस से एक एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लोटबस्टर, अभी क्लोटबस्टर क्या है, इट इज यूज टू डिजॉल्व क्लोट, यूज टू डिजॉल्व क्लोट्स ब्लड वेसल्स में, स्पेसिफिकली जैसे कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड दे रही है, अगर उनमें कोई भी क्लोटिंग हो गई तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक, तो उस क्लोट को डिजॉल्व करने के लिए हम क्लोटबस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं।
एक और क्लोड बस्टर है जिसको हम बोलेंगे, सॉरी एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। और ये किससे आइसोलेट किया गया है, क्या है ये, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है तब तक हमारा नया ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट जो किया है वो डेप हो जाएगा। तो ये किससे, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइंटिफिक नेम को हमेशा अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से इसको जो है डिस्कवर किया। एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, स्टैटिन। स्टैटिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये क्या करता है, आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी ब्लड वेसल्स में अगर आ जाए तो हार्ट अटैक या बाकी डिजीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। एक ग्रुप ऑफ फंजाई है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, मोनास्कस परप्यूरस, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, मोनास्कस परप्यूरस, ठीक है, ये फंजाई है जिससे। तो तीन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल किस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए गए हैं, क्या काम है, ये आप जरूर करके जाए, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होता है बहुत सारे कॉमर्शियली एसिड्स हम माइक्रोब्स को यूज करके बना सकते हैं। एक तो आपको पता ही है जो हम कर्ड के अंदर यूज कर रहे हैं लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस को हम किस एसिड को कॉमर्शियली प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, देखिए लैक्टोबैसिलस को या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का लैक्टिक एसिड बना सकते हैं हम इससे, ठीक है। अगर एक बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर, अगर स्पेशल लिखते हैं तो अंडरलाइन करें, एसिटोबैक्टर एसिडिटी से आप क्या बना सकते हैं, एसिटिक एसिड, क्या होता है एसिटिक एसिड, विनेगर सिरका जो आप यूज करते हैं, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम भी एक जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टेंडाई से टेटनस होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम से फूड पॉइजनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोस्ट्रीडियम की हम बात करें वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम, क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम, इससे बोटैलिक एसिड, बोटैलिक एसिड, ठीक है, कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही एस्परजिलस एक आप फंजाई है, एस्परजिलस फंजाई है, मोस्ट कॉमन फंजाई है एस्परजिलस निगर, इसकी जो स्पीशीज है एस्परजिलस निगर, इससे हम सिट्रिक एसिड को कॉमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नेम आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में आ सकता है किस ऑर्गेनिज्म से कौन सा प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो हम टॉपिक्स को थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं, आपको अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन